हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रोटावेटर को आप किस तरह से सेट करेंगे कि आपका रोटावेटर कम डीजल खपत पे ज़्यादा माइलेज आपको देगा और बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि रोटावेटर को आप किस तरह से सेट करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये शक्तिमान का रोटावेटर है दोस्तों, और ये रोटावेटर जो है ये 6 फीट का रोटावेटर है। इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 6 फीट है दोस्तों। तो इस रोटावेटर को दोस्तों आप बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस ले सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए दोस्तों आपको इसकी सेटिंग को जानना बहुत ही ज़रूरी है कि यहाँ इसका सेटिंग दोस्तों, ये टॉपलिंग दोस्तों, और ये साइड जो आर्म है, ये वाला और वो वाला पीटीओ, इसे किस तरह से इन सब चीज़ों को आप कनेक्ट करेंगे कि ये आपको जो है बढ़िया परफॉर्मेंस देगा और अच्छा आपको एवरेज जो है निकाल के देगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारा गाड़ी है ये महिंद्रा B275 DI है, भूमिपुत्र, और ये दोस्तों 39 HP का ट्रैक्टर है। इस पर ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों आपको बहुत सारी सेटिंग जो है वो जानना होगा कि किस तरह से आप इसका सेटिंग कर सकते हैं। आप लोग को मैं दिखा दूँ दोस्तों, इसका जो ब्लेड है वो आप लोग देख सकते हैं, इसका ब्लेड अभी 80-90% बचा हुआ है दोस्तों। तो ऐसे रोटावेटर को आप इतने छोटे ट्रैक्टर पे कैसे चलाएंगे कि आपका ट्रैक्टर जो है लोड पे दबेगा नहीं दोस्तों, और मिट्टी जो है बहुत ही बारीक बना के देगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। रोटावेटर की सबसे बेस्ट सेटिंग के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले आपके रोटावेटर के आर्म में ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक ये चैन होता है, इसे स्टेबलर या फिर साइड चैन इस तरह से भी बोल सकते हैं। इसे दोस्तों साइड को एडजस्ट करने के लिए लगाया जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये दोनों ही साइड लगाया जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों इसको सेट करना है, क्योंकि इससे दोस्तों आपका रोटावेटर जो है अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने रोटावेटर को सबसे ऊपर उठा लेना है। जितना ऊपर आप उठा के इसे चलाना चाहते हैं, या फिर जितना ऊपर आप ले जाने के समय इसे रखते हैं, सबसे ऊपर कर लेना है और इसे उस हिसाब से टाइट कर देना है, ताकि दोनों साइड का चैन जो है आपको टाइट करके रखना है, ताकि आपका रोटावेटर जो है एकदम सेंटर में चले। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, यहाँ से इस रोटावेटर का जो पीटीओ है एकदम सीधा है दोस्तों। तो इस तरह से ही चलने के वक्त भी ये सीधा होना चाहिए। ये सबसे पहले आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आप ये होता है टॉपलिंग, टॉपलिंग को दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, टॉपलिंग में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत सारी ट्रैक्टरों में 3 होल होते हैं, बहुत सारे ट्रैक्टरों में, जैसे महिंद्रा में 1 ही होता है, स्वराज में 3 होता है, बाकी ट्रैक्टरों में भी 2-3 होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को इस चीज़ को देख लेना है कि इसे आप कहाँ पे लगाएंगे। तो अगर जहाँ पे आपको सेंसिंग वाले उपकरण जो है, जैसे प्लाव हो गया या फिर कल्टीवेटर हो गया या फिर वो फार हो गया, ये सब चीज़ अगर आप चलाते हैं तो उसे आप सेंसिंग वाले पॉइंट पे रखेंगे जहाँ, और रोटावेटर हो गया और तवा जो होता है वो ब्लेड वाला होता है जो गोल वाला, वो अगर होता है तो इसे आप ऊपर रखेंगे जहाँ पे आपको सेंसिंग की आवश्यकता नहीं होती है। रोटावेटर में दोस्तों सेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, रोटावेटर खुद बे खुद चलता है दोस्तों। तो इसके लिए सबसे आप ऊपर इसे रखेंगे। ऊपर रखने के बाद दोस्तों टॉपलिंग को आपको कितना बड़ा रखना है, टॉपलिंग को बड़ा कितना रखना है इस बात को आपको लोग ध्यान देना है। तो टॉपलिंग को इतना बड़ा आपको रखना है कि आपका रोटावेटर जो है ज़मीन में जब बैठ के चलता है नीचे, तो ज़मीन में बैठने के बाद दोस्तों ये एकदम सीधा होना चाहिए रोटावेटर, आगे की तरफ झुका हुआ ना हो और पीछे की तरफ झुका हुआ ना हो। तो ज़मीन में जितना नीचे चलता है उतना समय ये एकदम सीधा होना चाहिए। इसको आपको उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, इस बात को आप लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है दोस्तों, ये इसके नीचे का जो है ब्लेड होता है, इससे दोस्तों गहराई को सेट किया जाता है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे होल है यहाँ पे, तो इससे आप इसकी गहराई को सेट कर सकते हैं। तो गहराई को आपको दोस्तों अपने ब्लेड के हिसाब से, अगर आपका ब्लेड नया है तो थोड़ा कम रखना है, ब्लेड आपका अगर घिस के पुराना हो गया है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे गहराई को जो है ऊपर की तरफ बढ़ा लेना है, और उसी पे दोस्तों आपको इसे सेट कर देना है, उसी पे चलाना है। तो ये जो है दोस्तों, इस तरह से आप रोटावेटर का दोनों ही साइड देख सकते हैं, इस तरह का आर्म होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि आपको गहराई कितना लेना है, ये चीज़ आपके ब्लेड पे डिपेंड करता है कि आपका ब्लेड जो है कितना बचा हुआ है।
तो उस हिसाब से आप इसे दोस्तों एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपका ब्लेड कम बचा हुआ है तो इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, अगर आपका ब्लेड नया है तो इसे थोड़ा सा नीचे कर लेंगे ताकि इसकी गहराई जो है परफेक्ट हो सके। इस तरह से दोस्तों बाकी सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के अपने रोटावेटर को सेट करने लगा है। ये जो होता है यहाँ पे ब्लेड दोस्तों, इसका भी आप देख सकते हैं कि इसे ज़्यादा नीचे नहीं रखना है। ज़्यादा नीचे अगर आप रखते हैं तो आपका रोटावेटर जो है ज़्यादा गहराई में चलता है। इसे आपको इसी के एडजस्ट के हिसाब से देख लेना है कि इससे थोड़ा सा नीचे हो या फिर सेम लेवल पे हो, उस हिसाब से आप इस तवे को भी सेट कर सकते हैं। तो ये रहा रोटावेटर को किस तरह से सेट किया जाता है इसकी कुछ जानकारी। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।